छात्रों आज हम जो व्याकरण देखने वाले हैं उसका नाम है काल। देखिए यहाँ पर काल की परिभाषा दी है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। पहले हमें क्रिया का पता होना चाहिए, वाक्य में देखने से आपको क्रिया का पता होना चाहिए कि क्रिया कौन सी है, क्रिया शब्द कौन से है, इसका पता होना चाहिए। क्रिया अगर नहीं हो, वाक्य में क्रिया अगर नहीं हो तो वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य कब पूरा होता है कि वाक्य में क्रिया हो। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है, जय खाना खा रहा था। तो यहाँ पर अगर जय खाना इतना ही होता तो उस वाक्य को कुछ भी अर्थ नहीं होता, वाक्य पूरा नहीं होता, तो वाक्य अधूरा लगता। तो यहाँ पर जय खाना खा रहा था, इससे वाक्य पूरा बनता है। क्रिया है खा रहा था, क्रिया है खा रहा था, यह क्रिया है। दूसरे वाक्य में देखिए, सोनल सैर कर रही है, सोनल सैर कर रही है। यहाँ पर सिर्फ सोनल सैर होता तो कुछ अर्थ नहीं बनता, वाक्य पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर कर रही है, इससे वाक्य पूरा हो रहा है। महेश चित्र बनाएगा, महेश चित्र क्या करता है, बनाएगा अगर शब्द नहीं होता तो यह वाक्य पूरा नहीं होता। और यहाँ पर देखिए, बनाएगा कर रही है और खा रहा था, यह क्या है, क्रिया शब्द है। और इनके द्वारा हमें काल का पता चलता है, इनके द्वारा हमें काल का पता चलता है कि वह काल बीता हुआ है, काल चल रहा है और आगे होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देता है, उसको देखिए काल कहा जाता है। तो देखिए क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण है, जय खाना खा रहा था, मतलब उसका खाना खा रहा था, वो जब हम उससे मिले तो वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, मतलब यह क्रिया हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है। हमने जब उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, खाना खा रहा था, क्रिया होकर गई है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक बोध होता है कि क्रिया हो गई है। दूसरा देखिए, सोनल शायद कर रही है, मतलब अभी वो शायद कर रही है, जब क्रिया पहले नहीं हो गई है अभी चल रही है, क्रिया चल रही है, इसलिए देखिए सोनल शायद कर रही है, क्रिया अभी चल रही है, वर्तमान में चल रही है। देखिए तीसरा उदाहरण है, महेश चित्र बनाएगा, महेश चित्र बनाएगा, बनाया है क्या, नहीं, अभी चित्र बनाने वाला है, इसलिए इन क्रियाओं में अलगता है। तीन क्रिया तीन वाक्य हमने देखे और इनमें अलगता है। पहले में वो क्या कर रहा है, जय खाना खा रहा था, दूसरा है सोनल सैर कर रही है, और तीसरा है महेश चित्र बनाएगा। इससे हमें पता चलता है कि एक क्रिया पूरी हो गई है, इससे पहले उदाहरण से हमें पता चलता है कि यह क्रिया पूरी हो गई है, दूसरे से पता चलता है कि यह क्रिया भी चल रही है, और तीसरे वाक्य से पता चलता है कि यह क्रिया भी होने वाली है। तो इससे काल के तीन भेद किए जाते हैं, एक है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ऐसे तीन भेद काल के किए जाते हैं, उस भेद के बारे में हमें जानकारी लेते हैं। देखो यहाँ पर काल और उसके तीन भेद हैं, भूतकाल वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इनकी जानकारी देखते हैं। देखो काल का पहला भेद है भूतकाल। तो इसमें देखिए उसकी परिभाषा, क्रिया के इस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में होने का पता जिससे चलता है, जिस क्रिया से चलता है उसे ही भूतकाल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, राजीव ने कविता लिखी थी, राजीव ने कविता लिखी थी। यहाँ पर कविता लिखने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए की खरीदा वैसे जो शब्द रहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आम खाया, ऐसे जो शब्द रहते हैं वो क्या होते हैं, भूतकाल के क्रिया दर्शाते हैं। राजीव ने कविता लिखी थी, यहाँ पर कविता लिखने की क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है,
अंधकार में जाता है। यह जो समय है वो बीत गया है, बीता हुआ समय है, इसलिए यह जो वाक्य है वो क्या है, भूतकाल का वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, मैंने पेन खरीदा। पेन खरीदने की जो क्रिया है वो पूरी हो चुकी है, उसके बाद आपके पास अभी पेन है। मैंने पेन खरीदा, खरीदने की क्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। क्रिया की तरफ ध्यान दो, तभी आपको पता चलेगा वो कौन से काल का उदाहरण है। तो खरीदा से हमें पता चलता है कि यह भूतकाल का उदाहरण है। देखिए, मैंने पेन खरीदा, तो यहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए भूतकाल का यह उदाहरण है। देखो, यहाँ पर काल का दूसरा भेद है वो है वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यह क्रिया जो है, क्रिया शब्द के तरफ आपने ध्यान दिया तो पता चलेगा कि यह क्रिया भी चल रही है, वर्तमान में यह क्रिया चल रही है, ऐसा आपको बोध होगा। तो इसको कहते हैं वर्तमान काल। क्रिया के इस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजेश मैच देख रहा है। राजेश मैच देख रहा है, अभी देख रहा है, वो देखने की क्रिया उसकी शुरू है, इसलिए इस क्रिया की तरफ ध्यान दो कि देख रहा है, यह जो क्रिया है उसकी शुरू है, इसलिए यह वर्तमान काल का उदाहरण है। राजेश मैच देख रहा है, इससे हमें पता चलता है कि यह वर्तमान काल का उदाहरण है। मोहन दूसरा उदाहरण है, मोहन गाना गा रहा है। देखो, गा रहा है, अभी उसकी क्रिया चल रही है। देखो, रहा है, रही है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो वर्तमान काल के होते हैं, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए, मोहन गाना गा रहा है, इससे पता चलता है कि ये जो वाक्य है वो वर्तमान काल का वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, जो समय अभी चल रहा है, ऐसा बोध कराने वाले शब्द, क्रिया वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। काल का तीसरा भेद है भविष्य का, और इसकी परिभाषा है, क्रिया के इस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया की तरफ देखने से पता चलता है कि यह जो क्रिया है वो आने वाले समय में पूरी होने वाली है, तो इससे जो पता चलता है आने वाले समय में जो क्रिया पूरी होने वाली है, इससे यह भविष्य काल होता है। देखिए, क्रिया के इस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, वैभव बाजार जाएगा। गया है क्या? नहीं, वो जाने वाला है। जाएगा से हमें पता चलता है कि अभी यह क्रिया नहीं हुई है, होने वाली है, जाएगा, तो वैभव बाजार जाएगा। यह क्या है? भविष्य काल का वाक्य है। भविष्य काल शब्द ठीक से देखिए। देखो, यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, कल फर्मदार किला देखने जाएंगे। अब कल किसको कहते हैं? कल यानी आज के जो बीत गया है, कल उसको भी कल कहते हैं, और आने वाला जो दिन है उसको भी कल कहते हैं। तो कल फर्मदार किला देखने जाएंगे, तो ये कल कौन सा है? आने वाला कल है ना। वाक्य से हमें पता चलता है कि यह कल जो है वो आने वाला कल है, बीता हुआ कल नहीं है। कल हम लाल किला देखने जाएंगे। जाएंगे से पता चलता है ये क्रिया होने वाली है। कब जाएंगे? कल जाएंगे। कल हम लाल किला देखने जाएंगे। देखने जाएंगे से पता चलता है कि यह क्रिया होने वाली है, और इसीलिए यह भविष्य काल का उदाहरण है। देखो, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से काल और काल के भेद देखे। काल की परिभाषा आपको नोटबुक में लिखनी है, और उनके तीन भेद जो है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनकी परिभाषा लिखकर उनके उदाहरण भी आपको नोटबुक में लिख कर लेने हैं। धन्यवाद।